अगर तो आ रही है, तो अगर आप मोबाइल से लॉगिन है तो आपके मोबाइल के ऊपर एक सेल्फ इंटरमिशन आ रहा होगा, आप वहाँ अपना क्वेश्चन पेस कर सकते हैं। और अगर आप लैपटॉप से लॉगिन है तो आपका वो राइट साइड पे एक ऑप्शन आ रही है क्वेश्चन में, आप उसमें अपना वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। मुसीबत इसका स्टूडेंट्स प्लीज बताइएगा, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैसेज में बताइएगा प्लीज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बोला जी रक्षंदा, आपको आवाज आ रही है? चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके बताने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ओरिएंटेशन का आगाज करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मोहम्मद शकीम ताहिर आपसे मुखातिब हूँ। पिछले 18 साल से यही सब्जेक्ट पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। आज की इस ओरिएंटेशन में हम जिन चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे उनमें एक तो ओवरऑल सिलेबस का तारुफ है, इसके कंटेंट्स आपको मैं ब्रीफली बताऊंगा। एक्चुअली इस ओरिएंटेशन के अंदर गालिबन दो किस्म के स्टूडेंट्स हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने पेपर दिया था बट अनफॉर्चुनेटली वो पास नहीं, और दूसरी किस्म के वो स्टूडेंट्स होंगे कि जो अभी अभी पीआरसी का इम्तिहान पास करके कैफ में आए हैं और उन्होंने लॉ का, बिजनेस लॉ का पेपर भी ऑप्ट किया है। तो मेरे मुखातिब इस वक्त ये दोनों किस्म के स्टूडेंट्स हैं, जो तो ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं, उनको तो ये चीजें पहले से ही पता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम ये पेपर पढ़ रहे हैं उनके लिए ये नई चीजें होंगी। तो सिलेबस कंटेंट्स जो इस वक्त मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये जो हमारा पेपर है बिजनेस लॉ, इसमें टोटल 18 चैप्टर्स हैं, लेकिन ये अदद सुन के आप अपने परेशान नहीं हो जाना कि क्या इस कदर ज्यादा चैप्टर्स। इनफैक्ट हमारे पूरे सिलेबस के अंदर बहुत से चैप्टर्स तो ऐसे हैं कि जो फकत चंद पेजेस पर मुश्तमिल हैं, तीन तीन चार चार पेजेस पर मुश्तमिल हैं, चैप्टर्स ऐसे भी हैं, और सिर्फ बहुत चंद एक चैप्टर्स ऐसे हैं कि जो थोड़े लेंथी हैं। तो दिखने में ये चैप्टर्स 18 हैं, लेकिन माजी की निस्बत हमारा जो सिलेबस है बिजनेस लॉ के 4 का, ये काफी कंसाइज हो गया। और ये बात इस वक्त खास तौर पे मैं उन बच्चों को बता रहा हूं कि जो पहली मर्तबा ये पेपर पढ़ रहे हैं। इसमें CAF 4 के हमारे जो सिलेबस कंटेंट्स हैं, इनमें जो सबसे पहला चैप्टर है, जो सबसे पहला टॉपिक है, वो है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इस पोर्शन में हम ये पढ़ रहे होंगे कि ओवरऑल हमारा पाकिस्तान का लीगल सिस्टम किस तरह का है, इवन लॉ की डेफिनेशन, लॉ की टाइप्स, और जैसे आपने नाम सुना होगा सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, तो ये किस किस्म के कानून हैं, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लॉ बनाने का प्रोसीजर क्या है, किन स्टेप्स में से गुजर के फाइनली एक लॉ बनता है, ये हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इसके अंदर इसी किस्म की बातें हैं।
और इसमें से कितने नंबर के सवाल आपको आएंगे ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा इंशाल्लाह। दूसरा जो हमारा बहुत बड़ा पोर्शन है, यूं कह लें कि मेजर पोर्शन जो हमारा बिजनेस लॉ का है वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी में से काफी ज्यादा नंबर के सवाल आपको पेपर में आते हैं और इस सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन भी आप यूं कह लें कि यही है। और इंटरेस्टिंग कहने की वजह ये है कि हमारी डेली लाइफ से इसका ताल्लुक है। जैसे रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे होते हैं आपस में, जैसे कोई दो अफराद आपस में कोई लैंड या बिल्डिंग सेलिंग और बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई दो अफराद आपस में गाड़ियों की सेलिंग और बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कितनी किस्म के हुआ करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन अहल है कौन अहल नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद उसको परफॉर्म ना किया जाए एक पार्टी की तरफ से तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन क्या लिया जा सकता है, ये तमाम चीजें हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं। और जैसे मैंने अभी कहा कि ये क्लोजली रिलेटेड है आपकी रोजमर्रा जिंदगी के साथ, तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की एग्जाम्पल्स के जरिए इंशाल्लाह ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा। दूसरा जो हमारा पोर्शन है जो यहाँ पे स्लाइड में आप देख रहे हैं अदर बिजनेस लॉज, इनमें लॉ ऑफ पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप जिसको फर्म भी कहते हैं आम मफहूम के अंदर, दो या दो से ज्यादा अफराद जब आपस में बिजनेस करते हैं कारोबार करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। ये पार्टनरशिप कितनी अकसाम की होती हैं, पार्टनर्स कितनी अकसाम के होते हैं और पार्टनर्स के आपस के राइट्स ड्यूटीज लाइबिलिटीज किस किस्म की होती हैं, ये चीजें जनाब हम अपने इस पोर्शन में डिस्कस कर रहे होंगे। और लॉ ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, वैसे तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स तीन हैं, प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, और आप लोगों में से जो पेपर दे चुके हैं और दोबारा पढ़ रही हैं किसी वजह से ऑब्वियसली पेपर पास ना होने की वजह से उनको तो मालूम है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली मरतबा इस पेपर को पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए ये बता रहा हूँ कि वैसे तो ये तीन हैं प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ चेक बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इन तीनों में से चेक वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके बारे में आपने बहुत दफा सुना होगा चेक के बारे में, तो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज। ये स्टूडेंट्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अल्फाज आजकल काफी अरसा से आप मीडिया में सुन रहे हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग फलाने की उसके खिलाफ केस कोर्ट में चल रहा है या नैब में चल रहा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एग्जैक्टली कहते किसने हैं, ना सिर्फ इसको हम डिफाइन करेंगे बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो जुर्म है अगर किसी ने कमिट किया जो साबित अगर हो गया तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी, क्या सजा उसको दी जा सकती है, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर रुक के आपको बताऊं कोई लंबी चौड़ी यहाँ पर डिस्कशन नहीं की गई, बहुत मुनासिब से हद तक कुछ रूल्स यहाँ पे आपके सिलेबस में दिए गए। और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, इवन आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स ऑनलाइन पेमेंट्स इसके बारे में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इवन इसमें वो एटीएम कार्ड एटीएम मशीन इस किस्म की चीजें भी डिस्कस होंगे, तो ये भी आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिर उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन का एक टॉपिक है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों का पर्सनल डेटा मुख्तलिफ जगहों पे अवेलेबल होता है, जैसे कि नादरा के पास आपका पर्सनल डेटा अवेलेबल है, यानी आपका नाम वल्दियत एड्रेस फोन नंबर ईमेल, तो इसी तरह जैसे जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां पे भी आपका पर्सनल डेटा पड़ा हुआ है, जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं या पढ़ते रहे हैं उनके पास आपका डेटा पड़ा हुआ है, तो
ये जो डेटा आपका अवेलेबल है मुख्तलिफ जगहों पे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ लॉज मौजूद हैं। तो वो लॉज, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, जैसे कि वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आजकल तो जमाना ही ऑनलाइन का है, आप इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन है, क्लासेस आप ऑनलाइन ले रहे हो, तो ऑनलाइन फिर क्राइम्स भी जारी सी बात है होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक किस्म के क्राइम्स कौन से हैं और इनकी सजाएं क्या हैं, ये भी बहुत मुख्तसर तौर पे इन चीजों को भी हमारे सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। फिर उसके बाद एक पोर्शन है जी कॉम्पिटिशन एक्ट। वैसे इस वक्त स्लाइड में आप लिखा हुआ देख रहे हैं कॉम्पिटिशन एंड आर्बिट्रेशन एक्ट। तो बेसिकली ये दो टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 18 में, कॉम्पिटिशन एक्ट और दूसरे का नाम है आर्बिट्रेशन एक्ट। तो कॉम्पिटिशन एक्ट में आपको ये बताया जाएगा कि बिजनेस फील्ड के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट में कंपटीशन कितना जरूरी है। जैसे मेरे ख्याल में आप सब समझ सकते हैं कि अगर कोई एक ही चीज का मैन्युफैक्चरर है मार्केट में, कोई एक ही कंपनी है, तो उसी की फिर मोनोपोली होगी। वो जो चाहे रेट रखे, जो चाहे सर्विसेज या चीजें प्रोवाइड करे, लेकिन अगर वही चीज बनाने वाली एक और कंपनी आ जाती है, एक और मैन्युफैक्चरर आ जाता है, तो एक मुकाबले की फिजा होगी, कंपटीशन होगा, और इस तरह सर्विसेज और गुड्स का मेयार भी बेहतर होगा, प्राइस भी निस्बतन नीचे आएगी। और मिसाल के तौर पे अगर वही चीज बनाने वाले या सर्विस प्रोवाइड करने वाले कुछ और लोग आ जाते हैं, तो इससे अल्टीमेट बेनिफिट भला किसका होता है? लोगों का, आम आवाम का, और मुल्क की इकोनॉमी के लिए ये चीज बड़ी अच्छी है। तो ये कॉम्पिटिशन से मुतालिक, बिजनेस में कॉम्पिटिशन से मुतालिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, इनको हमारे सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। इसी तरह आर्बिट्रेशन एक्ट, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ऑल दो हमने डिटेल में जाके पढ़नी है ये तमाम तर चीजें जो अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सॉर्ट ऑफ डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। आर्बिट्रेशन के बारे में थोड़ा सा तारुफ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रूटीन में जब कोई दो अफराद के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो वो अपने डिस्प्यूट को हल करवाने के लिए अदालत जाते हैं, कोर्ट में अपना मुकदमा, अपना मामला लेके जाते हैं, और कोर्ट जो फैसला कर दे फिर वो मानना पड़ता है। लेकिन आपके इल्म में ये भी बात है कि हमारी अदालतों के ऊपर मुकदमात का बर्डन कितना ज्यादा है, और इसीलिए फिर मुकदमात के फैसले 20-20 साल लग जाते हैं फैसले होने में, और लोगों का पैसा बहुत खर्च होता है, और टेंशन अलग से रहती है। तो इस सिनेरियो में हमारे कानून ने एक ऑप्शन दी है कि अगर लोग अपने मुकदमात के फैसला करवाने के लिए अदालत की बजाय अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, तो वो बेहतर है। जैसे कि अगर दो अफराद आपस में ये तय कर लें कि हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो हम उसको अदालत से हल नहीं करवाएंगे, बल्कि एक थर्ड पार्टी के पास हम जाएंगे, जिसका नाम भी तय कर सकते हैं कि जी इस बंदे के पास हम जाएंगे, इसको हम अपना मामला सुनाएंगे, मौकफ सुनाएंगे, ये जो फैसला करेगा हम उसे कबूल करेंगे। इसको आर्बिट्रेशन कहते हैं, इस अमल को आर्बिट्रेशन कहते हैं। और वो पर्सन के जिसको सालिस बनाया गया, जिसको के मुकरर किया गया फैसला करने के लिए, उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं। तो इसके बारे में भी कुछ रूल्स हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो ये है जी ओवरऑल कुछ इंट्रोडक्शन हमारे सिलेबस कंटेंट्स के बारे में। मैं वंस अगेन कह रहा हूं कि हर एक कंटेंट के बारे में मैंने इंतहाई इख्तिसार से बात की है, बहुत शॉर्ट और ब्रीफ बात की है, क्योंकि ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में ऑब्वियसली ओवरऑल हम इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं चीजों को, लेकिन यही चीजें हम इन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे जब मंडे से हमारी क्लास होगी, मंडे एंड ऑनवर्ड। मैं चाहता हूँ कि एक दफा यहाँ पर रुक के मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि अब तक जितनी कोई बात हुई है, अगर आपके जहन में कुछ सवाल हो तो आप प्लीज कर सकते हैं। यू आर वेलकम, प्लीज। आप में से कोई भी सवाल अगर करना चाहे प्लीज, तो वेलकम। जी
ओके जी, आगे बढ़ते हैं। मार्क्स स्कीम क्या है जी? ग्रिड जो आईकैप की जानिब से हमें मिली है, तो उसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसमें से कोई 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे जी। और जो कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन है, इसमें से तकरीबन आप कह लें कि 40-45 से लेके 50-55 नंबर के सवालात आपको इस पोर्शन में से आएंगे। और जो अदर बिजनेस लॉज हैं जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्रीफ डिस्कशन की है, उसमें से भी तकरीबन 35-52 नंबर के सवालात आपको आएंगे। तो 100 मार्क्स का ये पेपर आपका इस तरह है। और आपने नोटिस यहाँ पे किया होगा कि सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर इसके बाद जो छोटे छोटे लॉज हैं उन सबको मिला के तकरीबन कोई 40-50 नंबर वहां से। ठीक है जी, इसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न पे आ जाते हैं। आप में से जो लोग तो ये पेपर दोबारा पढ़ रहे हैं जनाब, उनको तो खूब पता है इस पेपर के एग्जाम पैटर्न का, बट जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, पीआरसी से कैफ में आए हैं और जिन्होंने ये पेपर ऑप्ट किया है खास तौर पे, उनके लिए जरा बता दूं कि 3 किस्म के सवालात हमें पेपर में आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, और फिर कुछ केस स्टडीज और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज 15 होते हैं, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस से मुराद वो क्वेश्चंस हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल सवालात होते हैं, थ्योरी वाले सवालात, जैसे के डिफाइन दिस, जैसे के पार्टनर्स की टाइप्स कितनी हैं ये बताइए। तो इस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और सबसे ज्यादा सवालात जो पेपर में आते हैं वो होते हैं जी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, जिसे हम केस स्टडीज भी कहते हैं, और यही वो सवालात हैं जो ज्यादा ट्रिकी होते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन दी होती है और उस सिचुएशन को पहले तो समझना, और फिर जब जहन में आ जाए कि अच्छा ये फलां जगह से बन के आई है ये सिचुएशन, तो फिर उसका जवाब देना, उसके ऊपर लॉ अप्लाई करना, तो ये थोड़ा टेक्निकल एरिया होता है। अच्छा, अब जरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पेपर हम कैसे पढ़ रहे होंगे अपने आने वाले दिनों में, मंडे से जो हमारी बाकायदा क्लास शुरू हो रही है। तो एक तो कंफ्यूजन अगर आपके जहन में ये आए कि शायद ये पोस्ट रिजल्ट क्लास की वजह से हमारी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होगी, तो हरगिज ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी हम को बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं पढ़ रहे होंगे कि शायद अब पीछे वक्त कम रह गया, तो नो। ठीक है, इंशाल्लाह इतना ही आपको पढ़ाऊंगा जितना कि आप इजीली डाइजेस्ट कर सकेंगे, इजीली आप याद कर सकेंगे, क्योंकि मेरा एक तरीका कार है पढ़ाने का कि मैं ना सिर्फ वो लेक्चर पढ़ाता हूँ बल्कि कह भी देता हूँ कि अगले दिन ये आपसे सुनूंगा भी। अब शायद आप हैरान हो रहे होंगे कि जी ऑनलाइन आप कैसे सुनेंगे, तो ऑब्वियसली जी मैं आपको मोटिवेट ही कर सकता हूँ कि ये आज लेसन सुने, जब आप कल क्लास में आएंगे लाइव इंटरेक्टिव क्लास में तो मैं आपसे ये लेसन सुनूंगा। तो ऑब्वियसली किसी न किसी हद तक जो अच्छे जिम्मेदार बच्चे हैं, जो कि मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ कि आप हैं, तो आप याद करके आएंगे कि सर ने हमसे ये सुनना है। तो इस तरह डेली बेसिस पे हम उतना ही याद कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, जितना आप इजीली उसको ग्रास्प कर सकते हैं, इजीली आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी स्टडीज होंगी वो फुल्ली एग्जाम फोकस्ड होंगी, कोई दाएं बाएं की बातें नहीं, कोई गपशप, कोई एक्स्ट्रा पॉलिटिक्स, नेवर एवर, फुल्ली प्रोफेशनल स्टाइल के अंदर एग्जाम फोकस स्टडीज जो मेरा पैटर्न है। ठीक है, क्योंकि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पेपर पास करवाना है, ये कह लें कि मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा मिशन है कि जो बच्चे मेरी क्लास में आए उनको पेपर पास करवाया जाए। ठीक है, और पेपर पास करवाने के लिए जहां पे ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि आप लेसन पढ़ रहे हो, याद रख रहे हो,
उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है टेस्ट। और हमारे सीए मेडिजी के प्लेटफॉर्म की ये बहुत बड़ी खूबी है कि हमने पूरे सेशन के टेस्ट की प्लानिंग की हुई है, डे वाइज किस डेट को किस सब्जेक्ट का टेस्ट है वो ऑलरेडी आपको पूरा शेड्यूल बना के दिया जाएगा, जो कि आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में अनकरीब शेयर भी हो जाएगा। तो वो टेस्ट आपके लिए जाएंगे और चेक होके आपको वापस मिलेंगे, अलॉन्ग विद सॉल्यूशन डिस्कशन होगी। अब इसमें मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि हमारी इस क्लास की खूबी क्या है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से ये कहा करता हूँ कि आप अपने टेस्ट को मुझे भी भेज सकते हैं, मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर, मैं खुद भी उसको रिव्यू करके आपको बताऊंगा कि इसमें कहाँ पे डेफिशिएंसीज रही हैं, कहाँ पे शॉर्टकमिंग्स रही हैं, कहाँ पे खामियां रही हैं, और फिर अकॉर्डिंगली आपको अपना फीडबैक दूंगा, आपको सजेशंस दूंगा, इंप्रूवमेंट के लिए आपको टिप्स दूंगा, ताकि आप आइंदा आने वाले टेस्ट में वो गलतियां ना दोहराएं, फिर उसमें अगर कोई गलतियां हुई तो अगले वाले में ना दोहराएं वो मिस्टेक्स, यहां तक कि आईकैप के एग्जाम आते आते आप बिल्कुल तैयार हो चुके हों, गलतियां वगैरह आप लोग ना उसमें करें। तो ये है वो पैटर्न के जिससे मैं अपनी क्लास को लेके चल रहा होता हूँ। सपोर्टिव अंदाज है बच्चों के साथ उनकी क्यूरीज को रिजॉल्व करने का, और खास तौर पे ये जो मैं कह रहा हूँ कि इस अंदाज में बहुत हेल्पफुल के आपको ये बताना कि आप लोग कहाँ पे लिखने में आपकी क्या कमी है, जो कि हर स्टूडेंट का मसला मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो इसलिए उसकी रिटर्न परफॉर्मेंस देख के उसको अकॉर्डिंगली मैं सजेस्ट करता हूँ कि यार आप इस एरिया को इम्प्रूव करें, आप इस एरिया को इम्प्रूव करें, ठीक है। तो एक तो पूरा सेशन टेस्ट चल रहे होंगे और उसके साथ साथ फिर मॉक है, मिड टर्म है, मिड टर्म के बाद मॉक है, तो इस तरह आई कैप के पेपर आने तक बेहतरीन अंदाज में हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जहां तक ये एक सवाल अभी आया है कि उस्मान पूछ रहे हैं कि जी हम कौन सी बुक फॉलो करेंगे, तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि आई कैप की किताब से पढ़ लें, अदरवाइज अगर आप किसी और बुक से भी आपके पास कोई मटेरियल है जी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जरा सिक्योर अंदाज में हम चलें ताकि हमारा पेपर अच्छी तरह हर लिहाज से प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए। ठीक है जी उस्मान, आपको सवाल का जवाब मिल गया जी। उस्मान शौकत, आपने क्वेश्चन किया था जी, बिल्कुल वो भी बिल्कुल बिल्कुल मैंने पहले ही कह दिया जी, वो भी ऑलरेडी मैं ये पहले कह चुका हूं, आप वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। आई कैप की किताब के अंदर चूंकि ऑब्वियसली एक वो ऑफिशियल टेक्स्ट है, तो उसमें अच्छा खासा प्रैक्टिस मटेरियल है, अच्छा खासा उसके अंदर प्रैक्टिस मटेरियल है जी। नदीम भाई बिल्कुल यूज कर सकते हैं, जी और कोई क्वेश्चन जी? नदीम आपका सवाल का जवाब मिल गया, बाकी और कोई सवाल आप? जी और कोई सवाल? जी स्टूडेंट्स, कोई और सवाल अगर आप करना चाहें तो प्लीज कर लीजिए। मंडे से हम इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करेंगे इसी टाइम के ऊपर। जी बाकी लोग चले जी, ठीक है जी, फिर विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह क्लास में हमारी मुलाकात होगी फिर, ठीक है जी। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।
सोजी कैम के साथ भी वो बंद कर दो बंद नहीं हो रहा है हां से बोल रहा हूं।